में पीईटी और पीपीएचटी की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और पीईटी और पीपीएचटी की परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है। राजधानी में पीईटी के लिए 9 परीक्षा केंद्र और 3,248 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है। पूरे प्रदेश में 18,947 छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और साथ ही पीपीएचटी परीक्षा के लिए रायपुर में 6 परीक्षा केंद्र पर 2,637 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पूरे प्रदेश में पीपीएचटी की परीक्षा में 18,538 छात्र शामिल हैं और पहले 2 मई को होने वाले थे परीक्षा और लेकिन चिप्स के सर्वर में आई खराबी के चलते छात्र प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते परीक्षा स्थगित कर दी गई थी और आज आखिरकार पीईटी और पीपीएचटी की परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो 2 दिन पहले से ही प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसके चलते सभी छात्र अपने परीक्षा पत्र को, प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकें, ऐसे उन्हें थोड़ा वक्त दिया गया था 2 दिन पहले से ही। और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ हेमंत शर्मा जुड़ गए हैं। हेमंत, जैसे कि आज परीक्षा है पीईटी और पीपीएचटी की, लिहाजा जो 2 तारीख को होने वाली थी लेकिन आखिरकार आज उसे आयोजित किया जा रहा है, व्यवस्थाएं कितनी नजर आ रही हैं? देखिए, जिस तरीके से गड़बड़ी व्यापम की ओर और चिप्स की ओर से देखने को मिली थी, उसको अब सुधारने की कोशिश एक तरह से की गई है। जिस तरीके से देखा गया था कि 2 मई को जो पीईटी और पीपीएसटी की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन चिप्स के सर्वर में जिस तरीके से खराबी आई, उसके कारण जो हजारों छात्र हैं उन्होंने प्रश्न पत्र डाउनलोड नहीं किया था, जिसके चलते परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। और उसके बाद 2 से 4 दिन बाद एक नया डेट जारी किया गया और 16 तारीख को पीएटी और जो पीपीएसटी की परीक्षा है वो, उसका जो डेट है वो निर्धारित किया गया था। और आज दोनों जो पीटी और पीपीएसटी की परीक्षा है वो आयोजित हो रही है। अगर मैं पीएटी की परीक्षा की बात करूं तो आज सुबह 9 बजे से जो यह परीक्षा है वो शुरू हुई है। करीब 18,447 जो परीक्षार्थी हैं प्रदेश भर में पीएटी की परीक्षा दिला रहे हैं। मैं अभी रायपुर के एक परीक्षा केंद्र हूँ, यहाँ पर मैं कैमरामैन को जरूर कहूंगा कि वो तस्वीर यहाँ पर दिखाए। छात्र यहाँ पर परीक्षा देते नजर आ रहे हैं, पीएटी की परीक्षा। यहाँ अमलीडी का सेंटर है, यहाँ पर शांतिपूर्वक जो परीक्षा है वो संपन्न हो रहा है। और जिस तरीके से जो गड़बड़ी पहले देखी गई थी, उस गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश व्यापम ने की है और एक पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर की है। पुलिस की मुस्तैदी भी यहाँ पर है। इसके अलावा जो व्यापम के अधिकारी हैं वो हर अलग अलग सेंटरों में मौजूद हैं, तो परीक्षार्थी संतुष्ट दिख रहे हैं। हालांकि किस तरीके से का पेपर उनका आया है, किस किस सब्जेक्ट को इसमें चयन किया गया है और क्या कुछ इसमें आया है, वो पेपर खत्म होने के बाद छात्र ज्यादा बता पाएंगे। हालांकि जो गड़बड़ी पहले देखी गई थी, उस गड़बड़ी को कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि उसको सफल जो संचालन किया जाए परीक्षा का, और एक तरह से गड़बड़ी को रोकने की कोशिश यहाँ पर व्यापम ने की है। और प्रदेश भर में अगर देखा जाए तो 65 केंद्र पीईटी के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा राजधानी रायपुर में इसके लिए 9 केंद्र और करीब 3,500 जो छात्र हैं वो राजधानी रायपुर में परीक्षा दिला रहे हैं। इसके अलावा पीपीएसटी की जो परीक्षा है वो करीब 2 बजे शुरू होगी और 5:15 पर खत्म होगी। पीपीएसटी की परीक्षा दूसरी पाली में है, क्योंकि काफी धूप है और परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा, इसलिए 2 पालियों में इसको परीक्षा को आयोजित किया गया है। पहले पाली में जो पीईटी की परीक्षा है वो हो रही है और दूसरी पाली में पीपीएसटी की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। उसके लिए भी राजधानी रायपुर में 6 केंद्र और प्रदेश भर में करीब 63 केंद्र बनाए गए हैं। उसके अगर पीपीएसटी की बात की जाए तो उसमें भी 18,000 से अधिक जो छात्र हैं वो प्रदेश भर में परीक्षा दिलाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया हेमंत के 2 पालियों में परीक्षाएं होंगी और उसकी तैयारियां भी पुरजोर तरीके से व्यापम द्वारा की गई हैं, लेकिन जायजा लेने के लिए, तैयारियों का जायजा लेने के लिए क्या अधिकारी भी पहुंच रहे हैं और जायजा ले रहे हैं कि ठीक तरीके से परीक्षाएं चल रही हैं या नहीं?
देखिए निश्चित तौर पर जो व्यापम के यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो केंद्राध्यक्ष की यहाँ पर नियुक्ति की गई है वो लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं। अलग अलग जहाँ पर क्लासरूम में यहाँ पर परीक्षा छात्र दिला रहे हैं वहां पर वो जा रहे हैं और एक सतत निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। और एक बात महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले ही छात्रों को निर्देशित किया गया था कि जैसे पीएटी की परीक्षा 9 बजे है लेकिन 1 घंटे पहले ही उनको कह दिया गया था कि 1 घंटा पहले वो परीक्षा केंद्र में मौजूद हो जाए। उसी तारतम्य में उसी तरीके से 1 घंटा पहले ही जो यहाँ पर छात्र हैं वो परीक्षा केंद्रों में पहुंच गए थे, उनको बारीकी से चेकिंग किया गया। इसके अलावा मूल पहचान पत्र जरूरी होने की बात यहाँ पर कही गई थी और सभी छात्रों ने मूल पहचान पत्र यहाँ पर लेकर पहुंचे थे और उनकी बारीकी से पहले चेकिंग की गई। उसके बाद उनको परीक्षा जो केंद्र है उसमें जाने की अनुमति मिली। अभी परीक्षा 9 बजे से शुरू हो गई है और करीब 12:15 पर यहाँ परीक्षा खत्म होगी। हालांकि शांतिपूर्वक अभी परीक्षा हो रही है। लगातार समय समय पर यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं व्यापम के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो व्यवस्था पहले गड़बड़ाई थी कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। और अब अगली खबर देखा